तो भाई लोग, क्या हाल चाल है? होप सब बढ़िया। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं साइबर हंटर लाइट। और ये वाला गेम प्ले भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक टीममेट मेरे साथ साथ आता है, मतलब पूरी स्क्वाड आया था मेरा, बट सबकी पेटी यहाँ पे बन जाता है और मैं अकेला बचता हूँ और चारों को यहाँ पे पेटी बना के यहाँ से निकल जाता हूँ। सो देखने, यहाँ पे एक बांग्लादेशी भाई जो भाई यहाँ पे नॉक पड़ा था, एंड तभी जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो मेरे को कुछ एमओ वगैरह दिखते हैं सामने, मैंने सोचा उठा लेते क्योंकि बंदे सामने काफ़ी ज़्यादा होंगे। एंड तभी मेरे ऊपर उस पर आता है राइट की साइड से, तो इस बंदे को मैंने नॉक किया यहाँ पे, कोशिश कर देते हैं इसको। I got down. Help, help me. और तभी ये बंदा भी पीछे आ चुका था, तो इसका भी पेटी यहाँ पे बना दिया था, बट मेरी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था। और यहाँ पे मेरे को लेवल 1 की बेस्ट हेलमेट मिला। सबसे पहले तो मैं अपने हेल्थ चेक कर लेता हूँ, और बाहर अभी भी दो बंदे हैं और मेरी एक टीममेट तो नॉक है, एक अभी भी जिंदा है, दो तो भाई जा चुका है मैच छोड़ के मतलब, और एक बंदे यहाँ पर अभी भी हैं, और दोनों की पेटी यहाँ पर पड़ी है, देख सकते हो दो बंदा अभी यहाँ पर था। और भाई पीछे से इस बंदे ने मेरे को इतना डैमेज कर दिया था, लिटरली 1 HP बच रहा था मेरा, फिर भी मैंने इसको यहाँ पे नॉक कर दिया। तो फटाफट मैं और एक हेल्थ यहाँ पे लगा लेता हूँ। चलो, एक गया और एक बंदा है, तो इसका पेटी बना के यहाँ से निकलेंगे। और फाइनली गाइस, ये वाला स्कॉट को मैंने यहाँ पे मार दिया। तो फिलहाल जब मैं यहाँ पे लोड वोट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जा चुका है मेरा और मेरे को यहाँ पे हेल्थ की चाहिए था। एंड तभी मेरे को ऊपर के साइड से भी कुछ गन के साउंड दिखता है, तो मैं भाग के आ जाता हूँ यहाँ पर अपने हेल्थ वेल्थ ठीक करके। और देखो तो ऊपर से फोटो स्टेप आ रहा था। तो इसका यहाँ पे पेटी बना दे दो, और इसका पेटी बनाने के बाद ही मेरे को सामने से भी कुछ साउंड आता है, मतलब गन की वैसे, और एक बंदा भी दिख जाता है मेरे को, तो उसका भी पेटी बनाते हैं यहाँ पे। चलो बढ़िया। तो गाइस, 6 किल तो यहाँ पे मेरा हो चुका था, बट यहाँ पे मैं सोलो पे था और सामने जो है स्क्वाड था, तो मैं आ जाता हूँ वहाँ से ये वाली जगह पर। अभी 50 बंदा अवेलेबल था और यहाँ पर मेरे को ये दिखता है, तो इसका भी पेटी यहाँ पे बना देता हूँ। अब मैंने सोचा कि इस बंदे के मैं थोड़ा बहुत लूट बूट करेंगे, देन आगे जाएंगे, बट तभी सामने से इसकी टीममेट ने स्प्रे देता है और वो बंदा ऊपर था, मैंने उसको हल्का सा देखा यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि ये वाला डब्बा को ओपन करते, और मैंने सोचा था कि भाई ये ना यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं सोचा था कि मैं कोबा पे था, बट इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे ठोक देता है। फिर एक न्यू गेम प्ले स्टार्ट करते भाई, यहाँ पे फिर से मैं स्क्वाड के साथ ही आता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक फोटो स्टेप देखता है, बट गन मेरे को अभी भी नहीं मिला था। और फाइनली यहाँ पे क्यों मुझे सिंगल टाइप की गन मिलता है, बट ये बंदा ऑफलाइन था या क्या था मुझे नहीं पता, बट जो भी हो इसको मैंने नॉक किया यहाँ पर, और फटाफट इसको फिनिश करते हैं। चलो बढ़िया, तो इसको भी मैंने यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल मेरे को और भी गन चाहिए था और बेस्ट और हेलमेट तो अभी भी मेरे को नहीं मिला था, तो मैंने क्या किया, ये वाले घर पे आता हूँ और यहाँ पे मेरे को कुछ गन की एमो और एक गन मिल जाता है। चलो बढ़िया, और सामने एक बॉक्स भी था, तो बॉक्स को ओपन कर लेते, और यहाँ पर जो 100 गन ना वो मेरे को मिल जाता है, तो वो मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ पर भी एक स्क्वाड आया था, सबसे पहले इन लोगों को लुटकाते, देखो। इसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया, तभी मेरे को और एक बंदा स्पॉट होता है यहाँ पे। चलो बढ़िया,
तो यहाँ पे गाइस तीन किल तो मेरा हो चुका है। बाकी इसकी जो और एक टीममेट था, मिनीमैप नोटिस करो तो सामने की साइड से कुछ गन के साउंड आ रहा था। चलो बढ़िया, एक स्क्वाड को तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ। बट अभी भी मेरे को एक फुटस्टेप दिख रहा था जो शायद ऊपर की साइड पे था और वो नीचे नहीं आ रहा यहाँ पे, तो मेरी जो डबल हैंडेड गन था उसकी भी एमो खत्म हो जाती है। तो मैं गन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, उस बंदे को मैं ढूंढने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बंदा तो नहीं मिलता। तभी मेरे को बाहर की साइड से गन की साउंड आता है और अंदर था, एक दो था, दो साइड पे, एक ऊपर था और एक नीचे था। मैंने ऊपर वाले को मारने की सोचा क्योंकि नीचे वाला तो मेरे को नहीं मार सकता, बट ऊपर वाला ऊपर से मेरे को मारेगा तो शायद मेरी हेड पे लगेगा और मैं वहीं पे नॉक होकर फिनिश हो जाऊंगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सबसे पहले तो इस बंदे को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट वो बंदा नीचे आने की नाम ही नहीं ले रहा था, तो सोचा चलो इसका पेटी बनाते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। चलो बढ़िया, इसका पेटी मैंने यहाँ पे बना देता हूँ। और एक बंदा था जो ऊपर था और यहाँ पे मैं ऊपर जाने की कोशिश तो एक बार करता हूँ, बट वो बंदा नीचे कूद जाता है। और फाइनली इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, बट ये शायद किसी दूसरे टीम की बंदा था, मतलब ये ना कोई दूसरी टीम के बंदा था। डैश पर यहाँ पर ये बंदा नॉक होता है, फिनिश नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 7 किल हो चुका था मेरा, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। और सामने जो बंदा ना, इसको थोड़ा बहुत लूट वूट करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और लूट कर लेते। फिलहाल मेरी टीममेट ने मेरे को बाइक पर बिठाता है और यहाँ से हम लोग निकल जाते आगे। यहाँ से फिर गाड़ी से निकल देते क्योंकि बंदे हमको मिल नहीं रहा था, तो यहाँ से हम निकल जाते। वैसे यहाँ पे ये वाले मैच पे हम तीन टीममेट तो बच जाते हैं, बाकी एक जो बंदा था जो हमारे साथ नहीं आया था, शायद उसकी पेटी बन चुका था और वो मैच छोड़ के जा चुका था। फिलहाल यहाँ पे ड्रॉप पड़ रहा था तो हमने सोचा क्यों ना ड्रॉप को लूट के यहाँ से निकलेंगे, बट तभी मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है फायर करते हुए और इसका भी पेटी यहाँ पे बना देता हूँ। और भी कुछ गन की साउंड आ रहा था बट वो गायब हो जाता है अचानक। तभी मेरे को यहाँ से एक बंदा स्पॉट होता है हल्का सा। चलो बढ़िया, इसका भी पेटी यहाँ पे बना दिया हमने। बाकी यहाँ पे जो टीममेट था ना, टीममेट अगर होगा तो किल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ बंदे को मारने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, लूटने के ऊपर नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा बहुत किल हो पाता है। बाकी इस गेम पे ना सोलो वर्सेस स्क्वाड काफ़ी मुश्किल है। चलो बढ़िया, तो और एक किल हमने यहाँ पे कर दी है और थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते इस बंदे के पास से और यहाँ से निकल के आ जाते ये वाले जगह पे। और जो यहाँ पे काफ़ी छोटा भी हो चुका था और आसपास कुछ गन के साउंड भी दिख रहा था, और ये बंदा अभी अभी किसी को मारा, यहाँ पे किसी को स्प्रे दे रहा था, वही देख के मैं आ जाता हूँ। और इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन था तो इसको भी पेटी बन जाता है यहाँ पे। अंत में मेरे को सामने से कुछ गन की साउंड दिखता है, आप मिनी मैप नोटिस करो तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं अपनी तो हेल्थ ठीक कर लेता हूँ सबसे पहले और उस बंदे को ढूंढने लगता हूँ, बट वो बंदा मेरे को नहीं मिलता है। तो सोचा चलो इसको थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल यहाँ से जब ड्रोन से मैं आ ही रहा था बट बंदे नहीं मिल रहे थे भाई। चलो सामने और एक ड्रॉप भी पड़ा था तो मैंने सोचा चलो ये वाला ड्रॉप ओपन करते, क्योंकि आज तक मैंने एक भी ड्रॉप को जो है ओपन नहीं किया। और इसकी जो ड्रॉप ये वाले गेम की कुछ इस तरह का आता है एक रोबोटिक सूट पे, और इसको ओपन करने से ये कुछ इस तरह का ओपन होता है और यहाँ से आपको हेल्थ किट कुछ ऐसे मतलब इसको वगैरह मिल जाता है। फिलहाल राइट की साइड से मेरे को एक गन के साउंड आता है, एक नहीं दो दो था, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो जाते और इन दोनों को लुढ़काते हैं यहाँ पे, ताकि 10 किल हो चुका था मेरा और इन दोनों को मारेंगे। तो और एक बंदा मिनी मैप पे देखे तो ड्रोन से उड़ रहा था, शायद उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ और सामने आ जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, और इसकी फोटो स्टेप आ रहा था।
चलो बढ़िया, यही दोनों था एक स्क्वाड के, सो इस दोनों की भी पेटी यहाँ पे बना दे। तो आखिर में लास्ट एक बंदा बच रहा था जिसको हमने ढूंढते ढूंढते यहाँ पे मिल जाता है, और गाइज हमने विक्ट्री कर ली। तो गाइज इन्हीं का गेम प्ले आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके साइड पे जो बेल के आइकन है उस पर क्लिक कर सकती हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।